स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टेली अकाउंट GST। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप एक ही स्क्रीन पर एक साथ कई सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं और आपस में उन रिपोर्ट्स का कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, आपको डैशबोर्ड में जाना होगा। तो डाउन एरो से मैंने क्या किया, डैशबोर्ड को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया तो स्क्रीन हमारे सामने इस तरह से अपीयर हो गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ टाइल्स हैं वो हमारे सामने इस तरह से आए। यहाँ पर देखें, 5 टाइल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से परचेज ट्रेंड में हमें परचेज से रिलेटेड जानकारी मिल रही है, सेल्स ट्रेंड में सेल्स से रिलेटेड जानकारी मिल रही है और जो और भी टाइल्स हैं उनमें उनसे रिलेटेड हमको जानकारी यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ पर बाई डिफॉल्ट जो टाइल्स हैं उनमें आप पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टाइल्स में आप पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है उस टाइल्स पर जिस टाइल्स के अंतर्गत आप पीरियड चेंज करना चाहते हैं ना। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो वो टाइल सक्रिय हो जाएगा और उस टाइल्स से रिलेटेड आप यहाँ पर पीरियड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सेल्स ट्रेंड है जिसमें कि हमें सेल्स से रिलेटेड जानकारी मिल रही है तो इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब ये सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया। अब मुझे केवल सेल्स की जो जानकारी मुझे मिल रही है उसमें मैं पीरियड चेंज करना चाहता हूँ तो ऊपर देखिए यहाँ पर साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको पीरियड लिखा हुआ बटन मिलेगा, इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आप पीरियड यहाँ पर चेंज करेंगे वो केवल एक टाइल्स यानी सेल्स ट्रेंड का जो टाइल्स है उसी में पीरियड चेंज हो जाएगा, है ना। अभी वहाँ पर क्या था, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 से रिलेटेड जानकारी मिल रही थी, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 31 दिसंबर 2023। अब देखिए बाकी जो टाइल्स हैं उसका तो बाई डिफॉल्ट पीरियड वही है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, लेकिन सेल्स ट्रेंड का जो टाइल्स है उसमें हम देखेंगे तो देखिए इसका जो पीरियड है वो पीरियड हो गया 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023, है ना। अब हम इससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर ले पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पीले कलर का एक बिंदु आपको दिखाई दे रहा है तो लेफ्ट राइट जो एरो है उससे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे या पीछे करेंगे तो उस मंथ से रिलेटेड आपको यहाँ पर डेटा भी मिल जाएगा, है ना। यानी सेल्स में हम यहाँ पर आए और अब हम यहाँ पर देखिए इस जगह पर आ गए जुलाई में, तो देखिए जुलाई 2023 में हमने जो सेल की है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। तो इस तरह से क्या है, ग्राफ भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उससे रिलेटेड जानकारी भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप सारे के सारे जो टाइल्स हैं उनका पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पीरियड जो लिखा हुआ बटन है उसके साइड में देखेंगे ब्लू कलर का एरो दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर है पीरियड ऑल टाइल्स, सारे के सारे टाइल्स में आप एक साथ पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर पीरियड ऑल टाइल्स पर मैंने क्लिक कर देना है या फिर कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना है आपको इस फीचर को यूज करने के लिए। तो पीरियड ऑल टाइल्स लिखे हुए बटन पर मैंने कर दिया क्लिक, अब मैं जो पीरियड चेंज करूंगा वो सारे के सारे टाइल्स में हो जाएगा। अब 1 अप्रैल 2023 से लेकर और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1/1/24, ठीक है ना। अब हम देखेंगे तो सारे के सारे जितने भी हमारे टाइल्स हैं उन टाइल्स में 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 1 जनवरी 2024 का पीरियड यहां पर आ जाएगा। ये देखिए जितने भी टाइल्स हैं अब हमारे वो सारे के सारे टाइल्स में देखिए पीरियड हो गया 1 अप्रैल 2023 से लेकर 1 जनवरी 2024, है ना। तो सारे के सारे टाइल्स में आप पीरियड एक साथ चेंज करना चाहते हैं तो उस तरह से कर सकते हैं ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सारे के सारे टाइल्स में फिर से वही पीरियड कर देता हूँ 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 31/3/24, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर एक टाइल्स के लिए यहाँ पर पीरियड चेंज कर सकते हैं और सारे के सारे टाइल्स के लिए आपको पीरियड चेंज करना है तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कोई और टाइल्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे परचेज की जानकारी मिल रही है, सेल की जानकारी मिल रही है, ट्रेडिंग की जानकारी मिल रही है, स्टॉक की जानकारी मिल रही है, कैश बैंक की जानकारी मिल रही है, इसके अलावा और भी आप कितने भी टाइल्स यहाँ पर ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, साइड में बटन बार है, यहाँ पर एक आपको बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा ऐड टाइल, इस बटन पर क्लिक करिए या अल्ट के साथ ए प्रेस करिए इस फीचर को यूज करने के लिए। ऐड टाइल लिखे हुए बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर हो जाएगी और जो भी टाइल आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि परचेज ट्रेंड हमें मिल ही रहा था उस पिछली स्क्रीन पर, सेल्स ट्रेंड भी मिल रहा था। अब जैसे मान लीजिए हम लेजर, कोई एक पर्टिकुलर लेजर है उससे रिलेटेड टाइल्स यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो लेजर ट्रेंड में मैं चला गया, लेजर ट्रेंड में चला जाऊंगा तो जितने भी आपके लेजर होंगे आपने क्रिएट कर रखे होंगे उन लेजर को लेकर ट्रांजेक्शन कर रखे होंगे वो सारे के सारे लेजर आपको इस जगह पर दिखाई देंगे।
किसी भी लेजर से रिलेटेड टाइल्स आपको ऐड करना है तो उस लेजर को यहाँ सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे कि अमित ट्रेडर्स हमारी पार्टी है, तो मैंने यहाँ से अमित ट्रेडर्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, अमित ट्रेडर्स का एक अलग से टाइल्स यहाँ पर शो होने लगा। पहले 5 टाइल्स से अब यहाँ पर 6 टाइल्स हो गया ना। इस तरह से आप कितने भी टाइल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे से यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ पर चले जाते हैं ऐड टाइल के बटन पर, एक और आपको ऐड टाइल जो टाइल्स है वो आपको ऐड करके दिखा देते हैं, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो लेजर है उस लेजर से रिलेटेड यहाँ पर टाइल्स ला सकते हैं। ग्रुप ट्रेंड है ना, तो कोई ग्रुप आपको लाना है तो ग्रुप से रिलेटेड भी आप यहाँ पर टाइल्स ला सकते हैं। इसके अलावा टॉप ग्रुप, टॉप लेजर वो भी ला सकते हैं। जैसे ग्रुप ट्रेंड को सिलेक्ट किया, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो जितने भी ग्रुप हैं वो सारे के सारे ग्रुप यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप। सन्ड्री क्रेडिटर को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो देखिए ग्रुप ट्रेंड में यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर का भी टाइल्स यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस तरह से आप कितने भी टाइल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जब ज्यादा टाइल्स हो जाएंगे तो देखिए नीचे एरो दिख रहा है, इससे आप नीचे और ऊपर कर सकते हैं ना। देखिए अब ऊपर का देखना है तो यहाँ पर एरो है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया और नीचे ये एरो मिल रहा है, इस पर क्लिक करके इस तरह से मैं इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कितने भी टाइल्स यहाँ पर ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी टाइल्स आपने ओपन कर रखे हैं, ठीक है ना, और उन टाइल्स से रिलेटेड आप यहाँ पर और भी सेटिंग करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड बटन भी आपको इस जगह पर मिलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर है एक एक्सपेंड टाइल्स, है ना। तो एक्सपेंड टाइल्स का क्या अर्थ होता है और किस तरह से कार्य करके चली जानते हैं। जैसे कि हम परचेज ट्रेंड है इसको, इसके रिलेटेड हम यहाँ पर एक्सपेंड टाइल करना चाहते हैं तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, अब ये सक्रिय हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्सपेंड टाइल लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दूंगा, है ना। तो ये मैंने क्लिक किया तो देखिए परचेज ट्रेंड की हमको इस तरह से जानकारी मिल रही है। यहाँ पर भी लेफ्ट राइट एरो हम करते जाएंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर हमें फिगर भी उसी हिसाब से यहाँ पर मिलता जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जब आप यहाँ पर एक्सपेंड टाइल करके आए हैं तो सिर्फ हम परचेज के बारे में जानकारी यहाँ पर ले पा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको एक बटन मिलेगा कॉन्फिगर टाइल का। तो जो टाइल्स आपने यहाँ पर कर रखा है उसके लिए आप यहाँ पर कॉन्फिगर में जाकर सेटिंग भी कर सकते हैं। तो कॉन्फिगर टाइल्स में मैं चला गया। कॉन्फिगर टाइल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, इस जगह पर आ गए। पीरियड में आप मंथली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, फोर्थली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, जो आपको करना है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड आपको परचेज ट्रेंड आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले टाइप में ग्राफ ओनली बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट है। साइड में एक पॉपअप आ गया जहाँ पर डेटा ओनली, ग्राफ ओनली और डेटा एंड ग्राफ दोनों तीनों ही ऑप्शन है आपके पास। जो आप ऑप्शन लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि अभी क्या था, ग्राफ ओनली हमें दिखाई दे रहा था, हम कर देते डेटा ओनली। डेटा ओनली को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया और एक बार और एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए अब हमको यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है, यानी जो भी परचेज है परचेज से रिलेटेड डेटा दिखाई दे रहा है, किस मंथ में हमने कितनी परचेज की। और किसी मंथ को आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो उस मंथ से रिलेटेड आपको परचेज की सारी जानकारी मिल जाएगी। और किसी भी एंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो आप एंट्री में भी आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कोई चेंजेस आदि करना है तो वो भी आप यहाँ पर करके सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी टाइल्स के लिए आप डेटा भी देख सकते हैं, है ना। फिर हम चलते हैं यहाँ पर कॉन्फिगर टाइल्स में। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और डेटा ओनली की जगह हम डेटा एंड ग्राफ कर देते हैं ना। हम परचेज की जानकारी डेटा और ग्राफ दोनों ही तरीके से एक साथ देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले टाइप में कर दिया डेटा एंड ग्राफ और एंटर प्रेस किया। यहाँ पर आप लाइन से भी देख सकते हैं और बार भी आपको ऑप्शन है, बार चाहे तो बार भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लाइन कर देता हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो परचेज की जानकारी हमें डेटा भी दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमें दूसरी तरह से भी इसकी जानकारी मिल रही है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एस्केप की प्रेस कर देता हूँ, फिर इस जगह पर आ गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइल्स के लिए आपको और भी डिटेल में जानकारी लेनी है तो उस टाइल्स को यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर आप एक्सपेंड टाइल में उसी तरह से सेटिंग करके उसको देख सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो भी टाइल्स हैं उन टाइल्स के लिए आप यहाँ से भी कॉन्फिगर सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि परचेज ट्रेंड का टाइल्स है, इसको मैंने यहाँ पर सक्रिय कर दिया क्लिक करके और यहाँ पर कॉन्फिगर टाइल्स जो है ना वो आपको मैंने आपको बता दिया। इस तरह से कॉन्फिगर टाइल्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर यहाँ से भी आप किसी भी जो टाइल्स है उससे रिलेटेड जानकारी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ इसी जगह पर हूँ और इस जगह पर आने के बाद मैं यहाँ पर लाइन की जगह बार देखना चाहता हूँ परचेज ट्रेंड का, तो यहाँ पर बार कर दिया। और देखिए पोजिशन में भी यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर देखिए 7 टाइल्स यहाँ पर ओपन है जिसमें कि पहले नंबर पर परचेज ट्रेंड है। इसको आप किसी और नंबर पर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर है परचेज ट्रेंड का टाइल्स, मैं इसको 3 नंबर पर करना चाहता हूँ तो इसको 3 कर दिया। आप क्या होगा 3 of 7, यानी 7 टाइल्स में इसकी पोजीशन अब 3 हो जाएगी, है ना। और देखिए ये 3 पोजीशन हो गई और इसके लिए जो मैंने सेटिंग की थी उस तरह से अब ये परचेज ट्रेंड यहाँ पर बार के रूप में दिखाई देने लगा ना। तो इस तरह से आप किसी भी जो आपके सामने टाइल्स खुले हुए हैं उनमें आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं।
है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी टाइल्स को रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, है ना। जिस भी टाइल्स को आपको यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, उसको हटाने के लिए क्या कीजिए, उस टाइल्स पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर टॉप स्टॉप ग्रुप है ना, इसका टाइल्स है, इसको मुझे यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है ना। तो क्या किया मैंने, इसको सक्रिय कर दिया क्लिक करके, और रिमूव टाइल लिखे हुए बटन पर क्लिक करना है आपको, या अल्ट के साथ डी प्रेस करना है कीबोर्ड से इस फीचर को यूज करने के लिए। रिमूव टाइल्स लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, अब रिमूव वाला हमारे पास पॉपअप आ गया, एंटर प्रेस कर देते तो देखिए वो जो टाइल्स था ग्रुप वाला, स्टॉक ग्रुप वाला, वो टाइल्स यहाँ से हट गया। तो यहाँ से कोई भी आप टाइल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी जगह पर आपको नीचे देखेंगे तो F12 कॉन्फिगर का बटन भी मिलेगा, तो कॉन्फिगर पर आप क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर शो वर्टिकल डैशबोर्ड है, इसको नो है, इसको आप यस कीजिए, तो ये आपको इस तरह से दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। अब मैं इसको फिर से नो कर देता हूँ। तो दोस्तों एक ही जगह पर आप क्या कर सकते हैं, एक ही स्क्रीन पर, एक ही पेज पर आप कई सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और रिपोर्ट्स के साथ उनका एनालिसिस कर सकते हैं। और जो एनालिसिस करने में आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप पोजीशन बदल सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं परचेज और सेल, ठीक है ना, इन दोनों के बारे में जानकारी कंपेयर करना चाहता हूँ इन दोनों को, और ये दूर दूर है तो मैं इनको पास करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेल्स ट्रेंड के बगल में परचेज ट्रेंड को लेकर आऊंगा। तो परचेज ट्रेंड का जो ये है, इसके लिए मैं कॉन्फिगर पे चला जाऊंगा। कॉन्फिगर में जाने के बाद यहाँ पर 3 की जगह कर दूंगा 1 ऑफ 6, यानी 6 टाइल्स में ये 1 नंबर पर आ गया, पहले नंबर पर आ गया। और फिर हमें इसको कुछ बदलना है तो इस पर हम फिर क्लिक कर देते हैं, है ना। क्लिक करने के बाद हम फिर कॉन्फिगर टाइल में चले जाएंगे, और कॉन्फिगर टाइल्स में जाने के बाद इस जगह पर आ जाएंगे, और यहाँ पर ग्राफ ओनली की जगह मैं कर दूंगा डेटा ओनली, ठीक है ना। तो ये देखिए अब यहाँ पर डेटा आने लगा। और यदि डेटा के अलावा आप किसी और रूप में इसको करना चाहते हैं, है ना, सेल्स ट्रेंड में भी आप इसको डेटा करना चाहते हैं, तो सेल्स ट्रेंड के पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, और कॉन्फिगर टाइल लिखे हुए बटन पर यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस जगह पर आ गया, और यहाँ पर भी डेटा ओनली कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए परचेज और सेल्स दोनों की डेटा वाइज हम जानकारी ले पा रहे हैं कि किस मंथ में हमने कितनी परचेज की और कितनी सेल की, है ना। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से एक दूसरे को यहाँ पर कंपेयर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, धन्यवाद।